नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त है 20 मिनट 20 खबर का, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद स्मोक कांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। महेश कुमावत नाम के एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। मामले में ये छठे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी महेश कुमावत मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और गिरफ्तारी पार्लियामेंट स्मोक कांड में हुई है। महेश कुमावत नाम का ये शख्स है जो राजस्थान का रहने वाला है, ऐसी जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महेश कुमावत को गिरफ्तार किया है। मामले में ये छठा आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो संसद स्मोक कांड में ये गिरफ्तारी हुई है, छठी गिरफ्तारी है ये। और आइए अब शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है, आप सड़कों पर फराटा भरते हुए निकलते हैं, ना ट्रैफिक की परवाह करते हैं और ना नियम की, तो वाहन चालक सावधान हो जाइए। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब आप पर भारी पड़ने वाली है। आपकी जेब सिर्फ ढीली ही नहीं बल्कि पूरी तरह से खाली होने वाली है, क्योंकि एमपी में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। अब एमपी में केंद्र के समान जुर्माना राशि वसूली जाएगी, क्योंकि ये हाईकोर्ट का फरमान आया है। क्या है फरमान, जानिए। मतलब साफ है कि अगर गलती से भी गलती की तो जेब खाली हो जाएगी। तो सावधान होकर गाड़ी चलाइए, क्योंकि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी सिर्फ जेब ही ढीली नहीं करती बल्कि जान पर आफत लेकर आती है। इसकी चपेट में आप भी आ सकते हैं या फिर सामने वाला भी, इसलिए सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइए तो चालान से भी बचेंगे और जान से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ट्रैफिक नियमों को लेकर जो आदेश दिए गए हैं उसका असर दिखना शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल की सड़कों पर ट्रैफिक विभाग सख्ती से आदेश का पालन करवाने में जुट गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजधानी से आई जहां सड़क पर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद दिखे। हर एक वाहन चालक पर उनकी नजर टिकी रही। इस दौरान नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम लोग लगातार जागरूकता के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग नहीं मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग लापरवाही करते हैं, इससे उन पर चालानी कार्रवाई तो होती ही है, उनके जान पर भी बनी रहती है। यातायात विभाग की तरफ से लोगों को ट्रैफिक नियम पालन कराने की अपील की गई। अब कोई भी हो, चाहे रेत माफिया या फिर कोई अपराधी, लगाम सब पर लगेगी। सीएम के आदेश के बाद एक्शन सब पर होगा। अगर कानून तोड़े तो आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा, और चला भी है। कल कहीं और, आज कहीं और। इस बार नर्मदापुरम में पीला हथौड़ा चला और अवैध मकान था एक रेत माफिया का। आपको बता दें कि दो दिन पहले रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई में माफिया और उसके गुंडों ने पुलिस की टीम पर हमला किया था। घटना में एक प्राइवेट ट्रैक्टर चालक पत्थर लगने से घायल हो गया था। इसके बाद नायब तहसीलदार की शिकायत पर देहात पुलिस ने मेहरा घाट निवासी दो युवकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया। अब दो दिन बाद मेहरा घाट में राजस्व की टीम जेसीबी लेकर पहुंची और अवैध रेत परिवहन करने वाले रेत माफिया के घर पर बुलडोजर चलाया। ये संदेश है उन तमाम माफिया के लिए जो अवैध कारोबार करते हैं और गुंडे दिखाते हैं। मतलब साफ है, अब नहीं चलेगा रेत माफिया का राज। एक तरफ एमपी में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, रेत माफिया से लेकर बदमाश गुंडों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दबंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, कानून को अंगूठा दिखाते हुए धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। एक ऐसी ही तस्वीर मुरैना से आई जहां पुरानी रंजिश में जमकर बवाल हुआ। करीब आधा दर्जन गुंडों ने एक घर पर पत्थरबाजी की, ताबड़तोड़ फायरिंग की। तस्वीरें देख ली, अब जानिए हुआ क्या। ये तस्वीरें मुरैना के स्टेशन रोड के सुभाष नगर की हैं, जहां दो व्यक्तियों के बीच पुराने विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी। इस बीच बदले की भावना से एक गुट दूसरे व्यक्ति के घर पहुंचता है और जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग करता है। घर के बाहर युवक अपनी मां के साथ मौजूद होता है। ताबड़तोड़ हमला देखकर वो भागकर अपनी जान बचाता है।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 6 लोग घर के बाहर बवाल कर रहे हैं। अब इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक डायलॉग जो बहुत मशहूर है, बच्चा तो बच्चा बड़े भी खूब इस्तेमाल करते हैं, उस डायलॉग से धौंस दिखाते हैं, अपना रौब जमाते हैं। वो डायलॉग है चाचा हमारे विधायक हैं, चाचा के नाम पर इतना रौब, तो सोचिए जिनके भाई ही विधायक हो उनका मनोबल आसमान के किस ऊंचाई पर रहेगा, समझ सकते हैं। और ज्यादा समझने के लिए इस व्यक्ति को सुनिए जो पूरी कहानी बयां कर रहा है। आज ये सुबह की घटना है, 2 घंटे पहले की, जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। लाइन पे गाड़ी आती है, लड़का बोलता है कि भाई ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कि हाँ ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ। जो लड़का रहता है गाड़ी निकालता है, पास करता है गाड़ी सी, वो आया। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। मैं नीचे पहुँचा, मैंने कहा हाँ भैया बताएं क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सीधा ही बोला मेरे से कि मेरा एक कटारे में, हम कटारे का भैया हूँ, ये टोल चलाना है तो 1,00,000 रुपये दो, मुझे चाहिए पेट्रोल चलाना है। तो मैंने कहा सर इन बातों का मुझे पता नहीं है, आप मेरे ऊपर बात कर लो, पैसे वैसे का क्या है। ये टोल कर्मी अटेर के विधायक हेमंत कटारे के भाई पर आरोप लगा रहा है, बता रहा है कि नेताजी के भाई ने कैसे टोल टैक्स कर्मचारी के साथ मारपीट की। दरअसल हेमंत कटारे के भाई अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे, जब टोल आया तो टोल कर्मचारियों ने टोल टैक्स मांगा, जिस पर विधायक हेमंत कटारे के भाई बिफर गए और टोल कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वो अपने साथ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और DVR भी ले गए। अब इस मामले में अटेर विधायक के भाई सहित 9 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। देखना है कि कार्रवाई में क्या होता है। अब आपको ग्वालियर लेकर चलते हैं। यहां से हत्या की एक तस्वीर सामने आई है और तस्वीरें ये कह रही हैं कि अपराधी बेलगाम हो गए। ये शुक्रवार शाम का सीसीटीवी फुटेज है, जगह मुरार का 6 नंबर चौराहा, और इस चौराहे पर कोचिंग से लौट रहे 17 साल के इमरान को 2 बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने गोली मार दी। इसका सीसीटीवी सामने आया है। गोली छात्र के सर में लगी है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दोस्तों के बीच बर्थडे पार्टी के बाद किसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद युवक को समझौता करने बुलाया गया था। इस दौरान जब युवक ग्वालियर शहर के 6 नंबर चौराहे के पास पहुंचा तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बदमाशों के वीडियो कैमरे में कैद हो गए हैं, जो अब सामने आए हैं। रात का अंधेरा, सड़क पर सन्नाटा, सन्नाटे सड़क पर बेखौफ चोर जो अपने मंसूबे में कामयाबी के लिए रात को निकले। तस्वीरें छतरपुर की, चोरी की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हर रोज किसी न किसी इलाके में चोरी की खबर सामने आ रही है। इस बार तो खबर के साथ साथ चोरी का लाइव वीडियो भी सामने आया है। चोरों ने एक घर में लाखों की संपत्ति और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। चोरों ने बड़े शातिराना तरीके से घर के बाहर रैकी की, फिर 2 चोर मिलकर घर के दरवाजे तोड़ते हुए नजर आते हैं। एक एक कर सभी अंदर प्रवेश करते हैं। महज 20 मिनट के अंदर लाखों के सामान की चोरी कर भाग खड़े। चोर बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। चोरों की पूरी करतूत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की है। इसके बाद हरपालपुर थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। अब बोरवेल में कोई बच्चा नहीं गिरेगा, मौत वाला बोरवेल अब कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि MP में नए CM ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बोरवेल हादसे पर आदेश दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द खुले बोरवेल जो इस्तेमाल में नहीं है उसे बंद किया जाए। CM साहब का ताबड़तोड़ एक्शन बता रहा है कि MP में बहुत बदलाव होने वाला है। लाउड स्पीकर से लेकर अवैध अतिक्रमण और अपराधियों से लेकर बोरवेल तक बहुत कुछ बदलने वाला है। CM ने हादसे रोकने के लिए अधिकारियों को अनुपयोगी और खुले बोरवेल बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में बोरवेल से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें कितने बोरवेल कहां कहां लगाए गए और उनकी मौजूदा स्थिति क्या है इसकी जानकारी होगी। पिछले 1 हफ्ते में बोरवेल में गिरने से 2 मासूमों की मौत हो चुकी है।
शिवराज भले ही सीएम से पूर्व सीएम हो गए हों, लेकिन उनका लोगों के बीच आना जाना कम नहीं हुआ। एमपी में उनकी सक्रियता कम नहीं हुई, बल्कि पिछले कुछ दिनों से और बढ़ गई है। चुनाव के बाद से ही लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लाडली बहनों से मिल रहे हैं, तो कभी किसी की मदद करते नजर आते हैं। एक बार फिर शिवराज सुर्खियों में है। इस बार वो एक राहगीर की मदद करते हुए नजर आए। दरअसल एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार की रात एक युवक की मदद की। भोपाल के रविंद्र भवन के पास एक युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ था। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना काफिला रोककर घायल युवक को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल जाते वक्त घायल युवक ने कहा कि मामा साथ है ना। इसके जवाब में शिवराज सिंह ने कहा, चिंता मत करो, मामा जी साथ हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम ने खुद उतरकर घायल युवक की मदद की, उसे उठाकर गाड़ी में रखा। जब शिवराज सिंह उस युवक को उठा रहे थे, इस दौरान उनके हाथ और कपड़ों में भी खून लग गया। एक तरफ शासन प्रशासन बेहतर शिक्षा के दावे करता है, तो वहीं दूसरी ओर बुरहानपुर से 40 किलोमीटर दूर जामटी गांव में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। यहां की शासकीय सैटेलाइट प्राथमिक स्कूल के एक ही कमरे में 5 कक्षाएं चलाई जा रही हैं। क्षमता से अधिक बच्चे बैठने और शिक्षा विभाग की अनदेखी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तस्वीरें देखिए, कैसे बच्चों को एक ही क्लास में ठूस ठूस कर भरा गया है। ये सालों से चलता आ रहा है। 2 साल पहले ही स्कूल भवन निर्माण की बात हुई थी, जो अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। फिलहाल स्कूल भवन नहीं होने से आंगनबाड़ी के भवन में 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। बच्चों को पढ़ने और शिक्षकों को पढ़ाने में फजीहत हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि वन ग्राम के स्कूल होने से आंगन में बच्चों को पढ़ाने से डर लगता है, कहीं सांप बिच्छू और जंगली जानवर कोई नुकसान न पहुंचा दे। शिक्षकों ने बच्चों की सुविधा को देखते हुए सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण की मांग की है। उमरिया के बांधवगढ़ में एक भालू का आतंक देखा गया। भालू को जंगल में खदेड़ने के लिए बुलाई गई सर्चिंग टीम और हाथी पर भालू ने हमला बोल दिया। इसमें महावत और एक वनकर्मी घायल हो गए। इसके बाद वन विभाग के महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में टीम बनाकर घायलों को जंगल से सुरक्षित निकाला गया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जब भालू को जंगल की तरफ हाथी का सहारा लेकर भगाया जा रहा था, तभी भालू ने हाथी पर हमला बोल दिया। महावत गिर गया। भालू के हमले में एक महिला की मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं, जिसमें सिर्फ एक सीट ही ऐसी है जहां से कांग्रेस और बीजेपी के पार्टी के विधायक नहीं है। वो एक विधानसभा सीट है रतलाम के सैलाना की, और वहाँ के विधायक हैं ये जनाब जो हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान चला रहे हैं। ये हैं सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडिया साहब। जब से जीत कर आए हैं चर्चा में बने हुए हैं। कभी मोटरसाइकिल में विधानसभा पहुँच रहे हैं, तो कभी अस्पताल पहुँच कर डॉक्टरों को लताड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बार विधायक जी रात में सफाई कर्मियों के साथ झाड़ू लगाते नजर आए, और तो और नगर परिषद पहुँच कर कर्मचारियों की समस्या सुनी। विधानसभा पहुंचे कमलेश्वर आज भी झोपड़ी में रहते हैं। विधानसभा क्षेत्र में उनकी खासी सक्रियता चर्चा बन रही है। कमलेश्वर सीधे तौर पर अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। राम विवाह की तैयारियां तेज हो गई हैं। राम की नगरी ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि श्री राम राजा सरकार का विवाह महोत्सव है, और जब श्री राम राजा सरकार का विवाह महोत्सव हो तो पूरा माहौल शादी सा लगना तो बनता ही है। तस्वीरें भी कह रही हैं कि बुंदेलखंड की अयोध्या को सवारा गया है लाइटनिंग झालरों से। दरअसल रामनगरी ओरछा में श्री राम राजा सरकार का विवाह महोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही है। बुंदेली रीति रिवाजों से राम राजा सरकार का विवाह कार्यक्रम होगा। इसकी साथ सज्जा मंदिर प्रशासन करेगी। बारात के पूरे मार्ग में झंडे और लाइटनिंग झालरों से सजावट की जाएगी। जानकी मंदिर पर विशेष फूलों की सजावट लाइटिंग झंडे माध्यम संस्था करेगी। मंदिर परिसर से दुकानों को व्यवस्थित किया जाएगा। साथ ही भगवान श्री राम राजा सरकार का मंडप और पंगत तैयार हो गया है। 17 दिसंबर को भगवान दुल्हा बनेंगे और बारात निकाली जाएगी। बुंदेली ठाट बाट के साथ पूजन होगा और हजारों लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। कहते हैं किसी भी देश प्रदेश या फिर शहर के विकास के लिए परिवहन का दुरुस्त होना जरूरी है, क्योंकि जब शहर परिवहन व्यवस्था सही होगी तो शहर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा,
जब लोग आएंगे तो व्यापार को फायदा मिलेगा, लेकिन जांजगीर चांपा की परिवहन व्यवस्था ही कबाड़ बन चुकी है। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये बसें सिटी बस हैं, जो अब बस नहीं बल्कि कबाड़ में तब्दील हो गई है। देखरेख के अभाव में अधिकतर बसों के कलपुर्जे चोरी हो गए, तो कुछ बसों को सामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है बताया जा रहा है कि कोरोना काल में बसों का परिचालन बंद कर दिया गया था, जिसे अभी भी बहाल नहीं किया जा सका। वहीं बसों के कलपुर्जों की चोरी की रिपोर्ट तक नगर पालिका ने पुलिस थाने में दर्ज नहीं करवाई। बसों के इस हालात के बाद यहां के लोगों को कहीं आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवहन विभाग हो या नगर पालिका, इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। रायगढ़ नगर निगम प्राधिकरण के तहत 4,80,00,000 की लागत से 10 सिटी बसों की खरीदी की गई थी। इन्हें जांजगीर चांपा जिले में भेजा गया था, लेकिन अब बसें जर्जर हालत में। जगदलपुर के कुरंदी माजकोट के जंगल से निकलकर एक हिरण कस्बाई इलाके में पहुंच गया था, जहां गाय कोठार की दीवार से टकराकर हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल हिरण का इलाज करवाकर उसे जंगल में वापस छोड़ा गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में वन विभाग के अफसरों का कहना है कि जिस हिरण की मौत हुई वो गाय भैंस के झुंड के साथ माजकोट के जंगलों की तरफ से बिलोरी के कस्बाई इलाके में आ गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हिरण का रेस्क्यू शुरू किया गया। इस बीच हिरण उछल कूद कर रहा था, वो गाय कोठार की दीवार से टकरा गया और उसके सिर पर चोट लग गई। हिरण को पकड़ने के बाद विभागीय अफसरों ने उसे डॉक्टर को दिखाया और हिरण का ट्रीटमेंट भी करवाया। इसके बाद हिरण को वापस जंगल में छोड़ दिया गया, जहां हिरण की मौत हो गई। आनंद फानन में हिरण के शव का पीएम करवाया गया। पीएम रिपोर्ट में हिरण की मौत हेड इंजरी होने के कारण बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में ठंड कहर की तरह लगने लगा है। तापमान में गिरावट लगातार जारी है। हवाएं सर्द हो गई हैं और मौसम की इन मनमर्जियों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड का सबसे ज्यादा असर अंबिकापुर में है, जहां तापमान लुढ़क कर 6.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले दिनों कलेक्टर ने स्कूल को 2 पालियों में चलाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर हो या बिलासपुर, हर जगह पारा तेजी से लुढ़क रहा है। पेंड्रा में तो 9 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। बलरामपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, हर जगह कोहरे की चादर नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ का करीब 46% हिस्सा जंगल का है। जिस प्रदेश में जंगल का इतना बड़ा हिस्सा हो, वहाँ जंगली जानवरों का झुंड हमेशा देखने के लिए मिल जाता है। इस बार ऐसा ही एक झुंड बलरामपुर के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में देखने को मिला। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम ने निगरानी रखना शुरू कर दिया है। वन विभाग के SDO ने कहा है कि हाथियों द्वारा किसानों के फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। नुकसान का प्रकरण तैयार होते ही किसानों को मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी। एक तरफ छत्तीसगढ़ में ठंड सताने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड से बचने के लिए बनाए गए रैन बसेरों का हाल बद से भी बदतर है। ये तस्वीरें बलौदा बाजार की हैं, जहां ठंड परेशान कर रही है। हालांकि इस ठंड से बचने के लिए सरकार रैन बसेरों का निर्माण करवाती है, लेकिन प्रशासन का इन रैन बसेरों पर कोई ध्यान नहीं है। बेघरों के लिए बनाए जाने वाले रैन बसेरों की तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। अब इसका खामियाजा बेघरों पर भारी पड़ रहा है, वे सड़क पर रहने को मजबूर हैं। उधर बस स्टैंड में यात्रियों के लिए बनाए गए रैन बसेरों में भी इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से यात्रियों को बस स्टैंड में ही रात काटनी पड़ रही है। निराश्रित लोगों को रैन बसेरे जैसी सुविधाओं के लिए प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में जिनके पास घर नहीं है, वो प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए हैं कि उनके लिए कोई इंतजाम किए जाए।
बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जल्द होगा मोहन कैबिनेट का गठन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले चरण में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं, नए चेहरों को मिल सकती है तरजीह, कुछ पुराने चेहरों को भी एक बार फिर मौका मिल सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, कल दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में रहेंगे, 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल किए जाएंगे। बड़ी खबर भोपाल से, सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिरकार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट कब तक फाइनलाइज होगी, और अब ये खबर कि जल्द ही हो जाएगा गठन, पहले फेज में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं, नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है, कुछ पुराने चेहरे भी एक बार फिर से रिपीट किए जा सकते हैं। वहीं कल दिल्ली जाने की भी खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दिल्ली जाएंगे कल, संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में रहेंगे, 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनलाइज कर लिए जाएंगे। बड़ी खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है, लेकिन कुछ अनुभवी पुराने चेहरे ऐसे रहेंगे जिन्हें वापस मौका दिया जा सकता है। 15 से 18 मंत्रियों की ये कैबिनेट होगी, फिलहाल शुरुआती दौर में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं पहले चरण के अंदर, 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। नाम कौन से होंगे, लगातार हर खबर हर हलचल हम आपको बताएंगे। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में ही हैं, संगठन महामंत्री भी वहीं रहेंगे, और ऐसे में 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। बड़ी खबर, नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल कर लिए जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, और क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस इस कैबिनेट को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से चौंकाने वाला नाम मुख्यमंत्री को लेकर सामने आया था, कुछ इसी तरह से चौंकाने वाला मंत्रिमंडल भी एमपी में हो सकता है। नए चेहरों को जो है वो मौका मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ऐसे ही नाम दिए जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब एक नया यंग कैबिनेट जो है मध्य प्रदेश में सामने आ सकता है, और नए मंत्री अपने नए विजन के साथ मध्यप्रदेश की नई सरकार को, 16वीं विधानसभा का गठन हो गया है, नई सरकार को चलाने की जो है वो कवायद शुरू करेंगे। जल्द ही इसको लेकर जो अंतिम फैसला है, अंतिम मुहर जो है वो आलाकमान की ओर से लग सकती है। लगातार बैठकों का, मंथन का दौर मंत्रिमंडल को लेकर जो है वो चल रहा है। मोहन यादव से लेकर संगठन के तमाम दिग्गज और पार्टी आलाकमान इस पर मिलकर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जल्द ही ये पूरा जो सस्पेंस है वो खत्म हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि मध्यप्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें कोशिश यही होगी कि युवा चेहरों को मौका दिया जाए, कुछ युवा चेहरे भी कौन होंगे और कितना सरप्राइज मिल सकता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका वासु पूरी जानकारी के लिए, और फिलहाल 20 मिनट 20 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी अंशिका।